शुक्रवार देश भर के सिनेमा घरों में द यूपी फाइल्स फिल्म दस्तक देने वाली है, जिसको लेकर काफी सारे फैंस एक्साइटेड भी होंगे। इस फिल्म का निर्देशन नीरज सहाय ने किया है, जो एक भारतीय राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है। खास बात यह है कि इस फिल्म में इंडस्ट्री एक ऐसा कलाकार नजर आने वाले हैं जिसने पहले कभी भी लीड रोल नहीं निभाया है। जी हाँ, इस फिल्म में बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं जिन्होंने अपने 33 साल के करियर में कभी भी लीड रोल नहीं प्ले किया। वो हमेशा साइड रोल में ही नजर आए हैं, या तो एक कॉमेडी रोल में या फिर विलन के किरदार में। लेकिन 33 साल बाद इस एक्टर की किस्मत खुली और उनकी झोली में एक बड़ा लीड रोल आकर गिरा। वो भी छोटा मोटा रोल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो उनके करियर का पहला सबसे बड़ा किरदार साबित हो सकता है। हम यहाँ बॉलीवुड एक्टर मनोज जोशी की बात कर रहे हैं, जिनको फिर हेरा फेरी के कचरा सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने हंगामा, चुप चुप के, खट्टा मीठा, देवदास, धूम, चांदनी बार और हलचल जैसी कई शानदार फिल्मों में दमदार रोल प्ले किया है, जिनको आज भी बेहद पसंद किया जाता है। नीरज सहाय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मनोज जोशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोल में नजर आएंगे, जिसका ट्रेलर लोगों को बेहद पसंद आया है। मनोज जोशी के लिए ये फिल्म बेहद खास है, क्योंकि अपने 33 साल के करियर में ये उनकी पहली फिल्म है जिसमें उनको लीड रोल दिया गया है। मनोज जोशी ने कई फिल्में की हैं, लेकिन उनका नाम और शोहरत फिर हेरा फेरी में कचरा सेठ के रोल से मिला। मनोज फिल्मों के अलावा टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं। मनोज ने फिल्मों से लेकर टीवी शो तक में कई रोल प्ले किए हैं। फैंस ने उनको कॉमिक किरदारों के लिए ज्यादा प्यार दिया है। मनोज जोशी आज भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं, जिनके पास काम की कमी नहीं है। वो करियर में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनको ऐसे वक्त का भी सामना करना पड़ा जब उनके पास काम नहीं हुआ करता था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी दमदार पहचान बनाई। इतना ही नहीं, उनको पद्मश्री और नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं अगर उनकी अपकमिंग फिल्म द यूपी फाइल्स की बात करें, तो ये फिल्म 26 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में मनोज जोशी के अलावा पूनम द्विवेदी, मंजरी फडनीस, अली अक्सगर, अमन वर्मन, शाहबाज खान, मिलिंद गुनाजी और अवतार गिल जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कल यानी कि 26 जुलाई को खत्म होने वाला है। मुंबई में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के अवसर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और मनोज जोशी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने फिल्म देखी और उन्हें बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा कि मैंने ये फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें उत्तर प्रदेश के सच को दर्शाया गया है। फिल्म में प्रमुख अभिनेता मनोज जोशी हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया अदाकारी की है। यूपी में गुंडा राज बहुत बढ़ गया है, लेकिन जब वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उन्होंने बुलडोजर चलाकर वहां के गुंडा राज को खत्म किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया है, उनके अनुसार सभी देशवासियों को चलना ही पड़ेगा। ये फिल्म इन्हीं बातों को दर्शाती है, जो कानून को नहीं मानेंगे उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो वहीं मनोज जोशी ने इस फिल्म को लेकर कहा कि इस फिल्म में एक संवाद है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की कद्र ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर, ये बहुत ही अद्भुत डायलॉग है। संविधान के अनुसार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को किस प्रकार बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उनकी कोशिश से उत्तर प्रदेश अच्छाई की ओर चल पड़ता है, ये इस फिल्म में बताया गया है। क्या आप योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ये फिल्म देखने जाएंगे? आप इसको लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।